एक दिन राजू टहलते हुए जंगल की ओर जा रहा था। अचानक उसकी पैर एक गड्ढे की ओर पड़ा। वह पाया कि एक गुफे के अंदर फंस चुका है। वह बहुत परेशान हो रहा था और वहां से निकलने के रास्ते सोच रहा था। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। सावधान, इस गुफा से निकलने के लिए दरवाजा 4 चुनें। अगर आप एक गलत दरवाजा चुनते हैं तो आपकी मौत हो सकती है। तभी राजू ने सोचा, अरे भाई, यहाँ तो केवल 3 ही दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम चौथे दरवाजे से कैसे निकल सकते हैं? क्या आप राजू को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं? अगर हाँ तो बताइए उसे कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दरवाजा नंबर बी, क्योंकि इसी दरवाजे पर 4 लिखा हुआ है और यह एक दर्पण प्रतिबिंब में लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कुछ इस तरीके के रहस्यमयी एजुकेशनल कार्टून स्टोरी वीडियो बनाकर यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर यह एक चैनल है, कुछ इसी तरीके के वीडियोज बनाते हैं और उनके वीडियोज पर लाखों और मिलियंस में व्यूज आते हैं और यह अच्छी खासी पैसे भी कमा रहे हैं। ठीक इसी तरीके के वीडियो आप भी बना करके पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सिंपल आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल ओपन करें। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। इसके बाद टॉप में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको इसके साउंड को यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हिंदी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको इस कट मार्क पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से इस कट मार्क पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रहस्यमय से रिलेटेड कार्टून वीडियोज है, वही यहाँ अपहरण से रिलेटेड है, चोर के मामले हैं, इस तरीके के आपको बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक मिल जाते हैं जिस पर आप अपने वीडियोज को बना करके यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ से आप जिस भी टाइप के वीडियो बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। फिलहाल चलिए हम इसी में से एक को यहाँ पर चूज कर लेते हैं, जैसा कि हम इसे चूज किए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कहा जाएगा कि आप एक ऐड को देखिए, उसके बाद यह अनलॉक होगा। तो सिंपल आप अभी खेले पर क्लिक करेंगे तो आपको 30 सेकंड का एक ऐड देखना होगा। तो सिंपल ऐड देखने के बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल आपको क्लिक करना है, उसके बाद यह अनलॉक हो जाएगा। तो सिंपल आपको जो भी इसमें खेलना है उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के कार्टून चलता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर नीचे कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं आपको यहाँ पर वीडियोज़ कैसे बनानी है। वीडियोज बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन रिकॉर्डर को चालू कर दे, जैसा कि हम अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे फ़ोन में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर आ रहा है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा प्ले स्टोर से कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल करके सिंपल आप उसे चालू कर ले, यानी कि ओपन कर ले। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को इस तरीके से यूज करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर सिंपल आपको देखते जाना है, नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे आपको बोलना है और सिंपल इस एरो पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको बोलते जाना है, फिर एरो पर क्लिक करना है, फिर जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको बोल देना है। इसी तरीके से आपको बोलते जाना है और फाइनल तक आ जाना है। एक बात आपको बता दें, इसे रिकॉर्ड करने से पहले एक बार आप इसे खेल लें और इसका सही आंसर पता लगा लें, ताकि वीडियो बनाते समय आप एक ही बार में सही आंसर बता पाएँ। तो कुछ इस तरीके से आपको आ जाना है। आने के बाद सबसे पहले आपको इसे ओपन करना है और फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको बोलना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, केविन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। आप यहाँ पर जो नाम लिखा है उसके जगह दूसरा भी नाम ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। राजू जंगल में इधर उधर भटकते हुए जा रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि उसने एक गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और वह उसके अंदर गिर गया। वह सीधा एक गुफा के अंदर चला गया। चारों ओर देखा तो उसे 3 दरवाजे सुनाई दिए। वह यही सोच रहा था कि हम इस गुफा से बाहर कैसे निकले। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, इस गुफा से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा 4 चुने। अगर आप एक गलत दरवाज़ा चुनते हैं तो आपकी मौत हो सकती है। तभी राजू सोचने लगा, अरे यार, इसमें तो केवल 3 ही दरवाजे दिख रही है, तो हम चौथे दरवाजे से कैसे निकल सकते हैं? क्या आप राजू को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं? अगर हाँ तो बताइए कि उसे कौन सी दरवाजे से निकलना चाहिए। उसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसमें जो सही वाला दरवाज़ा है बी, उसे आपको चुन लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपका रहस्य पता चल जाएगा। उसके बाद आपको बोल देना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पर जो भी दरवाजे लिखे गए थे उसका मिरर यानी कि दर्पण प्रतिबिंब बनाया गया था। तो जो सही जवाब है इसका दरवाज़ा नंबर 2 में 4 लिखा हुआ है और इसी दरवाजे से वह बाहर निकल पाएगा।
तो सिंपल इस तरीके से आपको खेल लेना है और अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर बंद कर देना है इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। तो सिंपल दोस्तों इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको इसकी एडिटिंग करनी है। तो एडिटिंग करने के लिए सिंपल आप अपने स्मार्टफोन में किसी भी वीडियो एडिटर को ओपन करें। फिलहाल हम यहाँ पर काइनमास्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद सिंपल क्रिएट पर क्लिक करें, प्लस पर क्लिक करें और यहाँ पर 16:9 रेशियो को ले लें। उसके बाद सिंपल क्रिएट पर क्लिक करें। उसके बाद सबसे पहले इस इमेज एसेस पर क्लिक करें और यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड ले लें, जैसा कि हम यहाँ से व्हाइट ले लेते हैं। उसके बाद इसका लेंथ कुछ आगे की ओर कुछ इस तरीके से खींच दें। इतने करने के बाद सिंपल आपको फिर से इस लेयर पर क्लिक करना है और इस रिकॉर्ड किए गए वीडियोज़ को ले लेना है। इसके लिए सिंपल लेयर पर क्लिक करें, मीडिया पर क्लिक करें और अपने मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्डिंग फोल्डर में जाएंगे तो वह वीडियो मिल जाएगा, जैसा कि ये रहा यह वीडियो। उसके बाद कुछ इस तरीके से वीडियो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सिंपल आपको इस वीडियो को कुछ इस तरीके से आपको बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यह कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। राजू जंगल में इधर उधर। इतना करने के बाद अब आपको इसमें जो आवाज़ बोला गया है उसे फॉलो करते हुए इसे एडिट करना है। तो चलिए हम एडिट करते हैं। राजू जंगल में यहाँ से बोला जा रहा है, तो सिंपल हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे और आगे की ओर खींच करके लाएंगे। राजू जंगल में इधर उधर भटकते हुए जा रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जंगल इतना सुंदर था बोला जा रहा है और एक गड्ढे में गिर गया था, लेकिन गड्ढे दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पर आएंगे जहाँ पर वो गिर रहा है यहाँ पर, और सिंपल यहाँ पर एक कट लगाएंगे और इसे सिंपल थोड़ा सा ऊपर की ओर खींच लेंगे कुछ इस तरीके से। जंगल इतना सुंदर था कि उसने एक गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और वह उसके अंदर गिर गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर कट लगाएंगे और फिर से इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर खींच लेंगे। वह सीधा एक गुफा के अंदर चला गया। चारों ओर देखा तो उसे उसके बाद फिर से हम यहाँ पर कट लगाएंगे जहाँ पर गुफा का सीन आ रहा है और कुछ इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की ओर एडजस्ट कर लेंगे। चारों ओर देखा तो उसे तीन दरवाजे सुनाई दिए। वह यही सोच रहा था कि हम इस गुफा से बाहर कैसे निकले, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। इस गुफा से बाहर निकलने के लिए दरवाजा 4 चुने। अगर आप एक गलत दरवाजा चुनते हैं तो आपकी मौत हो सकती है। तभी राजू सोचने लगा, अरे यार, इसमें तो केवल 3 ही दरवाजे दिख रही है, तो हम चौथे दरवाजे से कैसे निकल सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर कट लगा देना है। क्या आप राजू को बाहर उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर कट लगा करके इसे आगे से कट कर देना है। अगर हाँ तो बताइए कि उसे कौन से दरवाजे से निकलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दरवाजे नंबर 2। तो सिंपल दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको एडिट कर लेना है। उसके बाद आगे की पार्ट को यहाँ से कट आउट कर देना है। कट आउट करने के बाद सिंपल यहाँ से इसे कट कर देना है। उसके बाद इसमें एक प्यारा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक म्यूजिक को ऐड कर लेते हैं। इसके लिए ऑडियो पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी से कोई सा भी एक प्यारा सा म्यूजिक हम यहाँ पर ले लेते हैं और कुछ इस तरीके से इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। उसके बाद एक बार प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से सुनाई देगा। राजू जंगल में इधर उधर भटकते हुए जा रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि उसने एक गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और वह उसके अंदर गिर गया। वह सीधा एक गुफा के अंदर चला गया। चारों ओर देखा तो उसे 3 दरवाजे सुनाई दिए। तो सिंपल दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है। उसके बाद सिंपल इसे यहाँ पर क्लिक करना है और इस वीडियो को अपने गैलरी में सेव कर लेना है। उसके बाद सिंपल इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देना है।